केजरीवाल को दिया है और बेल देने के बाद जो मैटर राजर बेंच को रिफर किया गया उसके बारे में बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है तो क्या ये अंतरिम बेंच में मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। सीबीआई बेल इज स्टिल पेंडिंग सो अंटिल एंड अनलेस ही वाज ग्रांटेड बेल इन दैट ही विल रिमेन इन कस्टडी टिल दैट टाइम। आप ये जजमेंट को किस प्रकार से देखते हैं? दिस इज अ विक्ट्री, दिस इज अ ग्रेट जजमेंट एंड इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल जजमेंट। केजरीवाल को दिया है और बेल देने के बाद जो मैटर राजर बेंच को रिफर किया गया उसके बारे में बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है तो क्या ये अंतरिम बेंच में मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं? क्या केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। सीबीआई बेल इज स्टिल पेंडिंग सो अंटिल एंड अनलेस ही वाज ग्रांटेड बेल इन दैट ही विल रिमेन इन कस्टडी टिल दैट टाइम। आप ये जजमेंट को किस प्रकार से देखते हैं? दिस इज अ विक्ट्री, दिस इज अ ग्रेट जजमेंट एंड इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल जजमेंट।